आज का जो विषय है उसका टाइटल पता क्या है? आप टाइटल जानना चाहते हैं? कैसे भी कुछ भी पाने की इच्छा आपको शैतान के चंगुल में लेकर जाती है। दोबारा बोलूं, कैसे भी कुछ भी पाने की इच्छा आपको शैतान के चंगुल में लेकर जाती है। कभी कभी आप बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे गहना चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, और आप सोचते हैं कि नहीं मैं कुछ भी करूं यार मुझे ये चाहिए, क्यों नहीं है मेरे पास। प्रेज़ द लॉर्ड, ये विचार कौन डालता है आपके अंदर? आमीन। क्या गाड़ी प्रभु से ज्यादा है? क्या पैसा प्रभु से ज्यादा है? आपके उद्धार से ज्यादा है? कोई भी ऐसी चीज परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकती है। आपको पता है परमेश्वर ने जब आपको चुना तो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया उसने। आपने कुछ भी नहीं दाम चुकाया है, मैंने कुछ भी दाम नहीं चुकाया है, यीशु ने हमारे लिए दाम चुकाया है। अभी अभी जैसे हमने प्रभु भोज लिया, प्रभु भोज क्या है? एक वाचा का चिन्ह है। प्रभु क्या चाहता है? पिता चाहता है कि हम उसकी वाचा में बने रहें। आपको पता है जब आप उसकी वाचा में बंध जाते हैं, जब आप उसकी वाचा में रहते हैं, तो कोई भी शैतानी शक्ति आपको छू नहीं पाती है। हेलो, कोई भी शैतानी शक्ति आपको छू नहीं पाती है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं उसकी वाचा आपको सशक्त करती है और सुरक्षित करती है। इसलिए वो चाहता है कि आप वाचा में बने रहे। बहुत ही अच्छा वचन है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। यीशु मसीह पूरे संसार के लिए बलिदान किया हुआ है। यीशु मसीह ने अपना बलिदान पूरे संसार के लिए दिया है, लेकिन अनंत काल का जीवन कौन पाएगा? जो विश्वास करेगा। हालेलुया, जो उस वाचा में बंधेगा। अब्राहम को भी जब परमेश्वर लेकर आया था उर देश से, तो उसने वाचा बांधी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी कभी वाचा की कदर नहीं करते हैं, हम कभी कभी अहमियत नहीं देते हैं उस वाचा को जो परमेश्वर कहता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु काम नहीं कर पाता है। इसलिए आप अपने जीवन में प्रभु का काम होते हुए देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आप वाचा से दूर हो जाते हैं, आप वाचा के बाहर आ जाते हैं। परमेश्वर ने आपको संसार से निकालकर अपने राज्य में अपना पुत्र बना के रखा है। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया, बोलिए। परमेश्वर ने मुझे संसार से निकालकर अपने राज्य में अपना पुत्र बनाकर रखा है। Amen. लेकिन जब आप उसके राज्य से निकलकर संसार में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि आप उसके राज्य की अहमियत को नहीं समझते।
आप नहीं समझते हैं कि आपको स्वर्ग का राज्य क्यों दिया गया है, आपको पापों से माफ क्यों किया है। इब्राहिम भी नहीं समझ पाया। इसाक से पहले इब्राहिम के साथ तकरीबन 5 वाचाएं बांधी थी परमेश्वर ने। 15वें अध्याय उत्पत्ति 15वां में उसने माना कि मैं तुझे दूंगा, और उसे दिखाया कि इस आकाश में जितने सितारे हैं उतने तेरी औलादें होंगी, उतना तेरा वंश होगा, लेकिन तब भी उसने विश्वास नहीं किया और अपनी पत्नी सारा के कहने पर वो हाजिरा के पास चला गया। तब क्या हुआ? परमेश्वर ने 13 साल तक उससे बात नहीं की। आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की नजरों में उसकी वाचा की कितनी कीमत है। वो आपको वाचा के अनुसार ही जानता है। आपने जो कमिटमेंट किया है उसमें आपको रहना है। अभी जो प्रभु बोझ लिया है वो एक वाचा का हिस्सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 साल तक परमेश्वर ने इब्राहिम से बात नहीं की। उत्पत्ति 17 पहला वचन क्या कहता है कि 13 साल के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा। हालेलुया, सुनिए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर उसको हूं। बताया कि इब्राहिम मैं सर्वशक्तिमान हूं, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला हूं, जो मैं कहता हूं उसको समझ। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 साल तक उसने बात नहीं की। यहोवा ने उसको दर्शन, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आप सिद्ध कैसे होंगे जब तक आप उसकी उपस्थिति में नहीं चलेंगे? आप उसकी उपस्थिति में कैसे चलेंगे? जब तक आप उसकी वाचा के अनुसार आगे नहीं जाएंगे। वाचा आपको सुरक्षा देती है, वाचा आपको मार्ग दिखाती है, वाचा आपको बुद्धि देती है, समझ देती है, वाचा उस अनुग्रह को समझने की बुद्धि देती है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम आजादी का दिन मना रहे हैं। सही में आजादी पता क्या है? आप समझते हैं कि मुझसे कोई ना पूछे कि मैं क्या कर रहा हूं, बस पैसा आए उड़ाऊं, जब तक सोना है सोऊं, जब तक फेसबुक देखनी देखूं, जब खाना खाऊं, जब नहाना है नहाऊं। ये आजादी है, ये आप लोगों के लिए आजादी है ना? लेकिन पता क्या है आपकी सच्ची आजादी क्या है? गलतियों 5:1 में कि आप उस वाचा के अनुसार रहकर, आप वाचा के से बंधकर वाचा में रहकर आप आजाद रहें पापों से। परमेश्वर ने, मसीह ने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है ताकि आप आजाद रहें। किससे? उन पापों से, उन गलत विचारों से, उन दोषों से, आप शैतान के षड्यंत्र से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो चाहता है कि आप वाचा में बने रहें। लेकिन आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उसी में ही आप अपनी वाचा तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं आप। और जब वाचा तोड़ देते हैं तो आप पर श्राप आता है, आप श्रापित कहलाते हैं। हेलो, आप समझ रहे हैं? प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया।
और आपको वाचा में बांधा, लेकिन जब आप वाचा से निकलते हैं तो आप नहीं जानते कि आप क्या खो रहे हैं। आप शैतान को न्योता दे रहे हैं कि वो आपके जीवन में आके काम करे। और बाइबल कहती है मत्ती 12 का 43 से 45 के बीच में कि जब शैतान उस घर को, जिस घर से निकला है, उसको सजाया संवारा पाता है और उसमें कोई नहीं होता है तो 7 दुष्ट आत्माओं को लाकर रहने लगता है। परमेश्वर ने आपको पवित्र किया, शुद्ध किया, अपना बनाया, अपने राज्य में रखा, आपको वाचा में बांधा, सुरक्षा का कवच पहनाया, लेकिन आपने क्या किया? अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए उस पाप को, उस शराब को, उस वाचा को तोड़ दिया। आपने क्या समझा? अरे प्रभु है ना मेरे साथ, प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वाचा का परमेश्वर है। ये जो है ना पुस्तक, इसे वाचा की पुस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, इसे वाचा की पुस्तक कहते हैं। अगर आप वाचा में नहीं बने रहेंगे तो आप श्रापित कहलाएंगे। आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। आप समझते हैं कि आपका परिवार बहुत अच्छा है, हम रोज प्रार्थना करते हैं, रोज हम परिवार मिलकर अंतिम प्रार्थना करते हैं, सोने से पहले जब उठते हैं सुबह तब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन समझते हैं, कलीसिया जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि अगर आपके घर का एक भी सदस्य पाप करता है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है, पूरे घर पर पड़ता है। याद रखिए, हालेलुया। या मैं आपको एक आदमी से मिलवाऊंगा जिसके द्वारा इसराइलियों पर श्राप आया। इसराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकालकर, लाल समुद्र से निकालकर, वो सिने जंगल में लेकर आया और वहां पर उसने रखा और बताया कि मैं कौन हूं। वहां टेबनेकल बना, तंबू बना, बादलों में होकर परमेश्वर आता था, मूसा से बात करता था, उनके समक्ष उसकी आवाज सुनाई देती थी। उन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व को महसूस किया और जब मूसा के बाद यहोशू उस कनान देश में गए, यरीहो देश को उन्होंने जीत लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और जब वहां पर गए तो वहां पर एक आदमी ने पाप किया। वो कौन था? अकान, अकान नामक शख्स, जिसने यरीहो देश से सोना ले लिया, चांदी ले ली, वो अर्पण की हुई वस्तुओं को लेकर आ गया जिसका उसे लेना गलत था, मना ही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर के नियम है, आप इन नियमों को कीमत समझिए उसकी। आप उसका नियम है, अगर आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे आपको भुगतना पड़ेगा। छठा अध्याय, यहोशू छठा पढ़िए बहन, छठा का 17-20 पढ़िए। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तुओं ठहरी। यरीहो की बात हो रही है कि यरीहो में जो कुछ भी है, सोना चांदी पीतल जो कुछ भी है, वो यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी, इसलिए उस पर कोई हाथ मत लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा उस पर कोई हाथ मत लगाना।
हालेलुया, पढ़िए आगे। केवल राहब वैश्य और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। 18वां, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तुओं ठहर कर बाद में उसी अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लो। आमीन। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग करो। अभी क्या बताया परमेश्वर ने कि यरीहो देश में जो सोना चांदी पीतल है ये सारी परमेश्वर को अर्पण की हुई वस्तुएं हैं, इनसे सावधानी से अपने आप को अलग करो, ध्यान रखो ये नहीं चाहिए मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में परमेश्वर का अर्पण किया हुआ क्या है पता है आपको? आपके जीवन में परमेश्वर का अर्पण किया हुआ है परमेश्वर का दशांश, जो कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है, आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। अगर आप 2 रुपए कमाते हैं 20 पैसे परमेश्वर के हैं, अगर आप 1,00,000 रुपए कमाते हैं 10,000 रुपए परमेश्वर के हैं, आप 10 लाख कमाते हैं 1,00,000 रुपए परमेश्वर का है। ये अर्पण की हुई वस्तु है जो कि परमेश्वर की है, आप उसकी यूज नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अकान ने ऐसा किया, अकान ने उस अर्पण की हुई वस्तुओं को उठा लिया और उसने सोचा कोई नहीं देख रहा है और अपने तंबू में आकर उसने छुपा दिया। प्रेज द लॉर्ड। अर्पण की हुई वस्तु, कई मैं लोगों को जानता हूं ऐसा करते हैं, आप दशांश का उपयोग करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने रोज के खर्चे के लिए, अपने धंधे के लिए, आप नहीं जानते आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपके जीवन में बरकत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अर्पण की हुई चीज को यूज कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर की आज्ञा है कि मेरी अर्पण की हुई वस्तु को हाथ मत लगाना, सावधानी से चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। 19वां बोलिए। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए। आमीन। आगे। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो वो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पर नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए। आमीन। एक मिनट। हालेलुया। ये कहाँ की बात हो रही है? यरीहो की। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की पवित्रता को अपने अंदर रखेंगे, जब आप उसकी वाचा के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे और आप जब जय जयकार करेंगे, आपके जीवन की विपत्तियों की जो दीवारें हैं ना, वो उखड़ जाएंगी, उखड़ जाएंगी, वो रह नहीं सकती, क्योंकि आप उस वाचा के अनुसार परमेश्वर को बुला रहे हैं। आपकी दीवारें ढह जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अकान ने ऐसा किया कि वो यरीहो से सोना ले आया, चांदी ले आया और अपने लिए कुछ चीजें लाकर उसने रख दी। अब देखिए 17-21 के बाद 7 का, यहोशू 7:11-12 बताइए। इसराइलियों ने पाप किया है। अब ये परमेश्वर बोलता यहोशू से कि इसराइलियों ने पाप किया है। आमीन। क्या सब इसराइलियों ने पाप किया? क्या सब इसराइलियों ने पाप किया? किसने पाप किया? अकान ने।
Amen. आपको पता है आपके जीवन में आपके घर में बरकत का आशीष क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि आपके घर में कोई है, हो सकता है वो आपका पिता हो सकता है आपका भाई हो सकता है आपका पति हो, जो अकान की तरह ही परमेश्वर की अर्पण की हुई चीजों को ले रहा है। हालेलुया। आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, आप रोज जाते हैं, घुटने टेकते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पिता ने, आपके भाई ने, आपके दोस्त ने, आपके पति ने, आपकी पत्नी ने परमेश्वर की अर्पण की हुई वस्तु को चुरा लिया है, उस वाचा को तोड़ दिया है जो आपकी सुरक्षा के लिए है। मैं आपको बताऊं मेरी बहन, अगर आप जीवन में सुरक्षा चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, उस वाचा में बने रहिए। शैतान आपको रोकेगा, शैतान आपको बताएगा, शैतान आपसे कहेगा कि उस वाचा से निकलिए, निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब आप वाचा से निकलेंगे तभी आप शैतान के चंगुल में आएंगे, और शैतान जानता ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ कि ये ए, जैसे उन्होंने यहरियो को जीता, तो ए राज्य को, अगर सातवां हम बिगिनिंग से पढ़ेंगे आज, मैं आपको बताता हूं सातवें का पहला, अगर मैं आपको पढ़ के दिखाऊं, परंतु इसराइलियों ने निषिद्ध वस्तुओं के विषय विश्वासघात किया, ताकि यहूदा के कर्मी के पुत्र जब्ती के पोते जेरा के परपोते अकान ने निषिद्ध वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा को की क्रोधाग्नि इसराइलियों पर भड़क उठी। यहोशू ने कुछ जासूसों को यरियो से ए नगर को भेजा, जो बैतल से पूर्व और बैत ओवेन के समीप है। यरियो इन्होंने जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या होता है आपके जीवन में? सक्सेस हो रहा है आपके जीवन में, सफलता है, आप सफलता कर रहे हैं। एक आपने बिजनेस किया, एक आपने अपना आइटम पूरा किया और आपने सक्सेस, सफलता हो गई। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ कि आपने उस वाचा को, आपने और लालचाई और वाचा को तोड़ दिया। तो ये लोग क्या है, ए राज्य में गए, और जो ए राज्य था वो बहुत छोटे से लोग थे। इन्होंने क्या सोचा कि भाई हम जाएंगे और उसको भी जीत लेंगे, जब हमने यरियो को जीत लिया है तो उसको भी जीत लेंगे। आप यहोशू सातवां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन जब ये वहां पर गए तो ये हार गए, हार गए। इनके आदमी मर गए, इनके सैनिक मर गए, और ये लोग बड़े आश्चर्यचकित कि हुआ क्या है कि हमने यरियो सिर्फ जय जयकार करके जीत लिया, और ये ए राज्य जो कि बहुत छोटा सा राज्य है, दुश्मन भी छोटे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? यहोशू ने घुटने टेक कर रो रो के प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उसको बताया, पढ़िए बेटा 11-12, 7 का 11-12। इसराइलियों ने पाप किया है, हाँ जी, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। वाचा को तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं को वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इसराइली उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं को चोरी कर लिया है और छल किया है, धोखा दिया है। हम धोखा देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, हम धोखा देते हैं परमेश्वर को। हम कहते हैं अरे नहीं यार, इस महीने ना दिया, अगले महीने दे देंगे यार। अरे इस महीने हमने एक गरीब को भी तो खाना खिलाया था, अरे हमने किसी बीमारी को पैसा दे दिया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप समझते हैं कि आप अर्पण की हुई वस्तुओं को लेंगे और आप वाचा में बने रहेंगे? नहीं, गलत सोचते हैं। आप क्या समझते हैं, आपको देने वाला कौन है? आपके घर में जो रोटी आ रही है वो कौन दे रहा है? आपका जो बिजनेस फल रहा है वो कौन कर रहा है? आप अकेले कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं।
लेकिन शैतान, शैतान आपको बुद्धि का घमंड लेकर आता है। पहला यूहन्ना 2:16 पढ़िए, जो शैतान की चीजें क्या हैं, जल्दी पढ़िए 2:16। पहला यूहन्ना 2:16, 1 John, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार में है शरीर की अभिलाषा। आपको संसार में कौन लेकर जाता है? आपके शरीर की अभिलाषा, मेरा शरीर, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए, अपने शरीर का सुख पाने के लिए आप कहां जाते हैं? संसार में। संसार में आपको मिलता है शरीर का सुख, इसलिए शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। मैं कमाता हूं, ये मैंने काम किया है, मैंने रात भर मेहनत की। क्या बोला था उसने, पीटर ने, पतरस ने, जब यीशु मसीह ने उसके नाव के पास आए थे, गलील की झील थी, तो पतरस ने कहा, प्रभु रात भर हम मेहनत करते रहे लेकिन कुछ नहीं पाया, लेकिन तेरे कहने से हम जाल डालेंगे। आमीन। उसने बता दिया कि जब तक हम यीशु के वचन से नहीं चलेंगे, हम मेहनत कर लें या पसीना बहा लें, हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर अकान ने क्या किया? अकान ने परमेश्वर की अर्पण की हुई वस्तुओं की चोरी कर ली। और क्या कह रहा है? ए राज्य में गए कौन? इसराइलिस। मारा कौन गया? इसराइलिस। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अकान के पाप की वजह से पूरा इसराइलिस, जितने इसराइलिस हैं, वो सजा भोग रहे हैं। उनको पता भी नहीं है। आपको पता भी नहीं होता कि आपके घर में पाप चल रहा है। आपको पता भी नहीं है कि मेरा पिता पाप कर रहा है, मेरा बाप पाप कर रहा है, मेरा भाई पाप कर रहा है, मेरा जीजा पाप कर रहा है, मेरा ससुर पाप कर रहा है, मेरी बेटी पाप कर रही है। आपको पता ही नहीं, लेकिन आप सजा भोग रहे हैं। आप कहते हैं, यार मैं तो चर्च भी जा रहा हूं, यार मैंने कुछ गलत भी नहीं किया, वचन पे चल रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे घर में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हो रहा है? आपको नहीं पता कि आपके घर का कोई शख्स पाप कर रहा है, जिसके पाप की सजा आप भोग रहे हैं। याद रखिए, क्योंकि आपका परिवार वाचा में है। अगर परिवार का एक सदस्य भी उस गहरे को तोड़ता है, उस सर्कल को तोड़ता है, तो आप भी उसमें आ जाते हैं। तो यहां पर वो क्या कहता है कि अकान ने पाप किया। 16वां, अरे उसी का 11वां 12वां पढ़ो बेटा। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। इसलिए आप अपने शत्रुओं के सामने भी खड़े नहीं रह सकते। आपको पता है आपके शत्रुओं से कौन बचाता है आपको? कौन बचाता है आपको? हेलो, कौन बचाता है? परमेश्वर। इसलिए जो ए राज्य था, उसके शत्रु थे, उनके सामने वो खड़े नहीं रह पाए। आपका दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? शैतान। उसके बाद आपका दुश्मन कौन है? आप अब खुद हैं, आपका स्वभाव। आपको आपके स्वभाव से कौन बचाता है? प्रभु। हेलो, आप नहीं जानते, परमेश्वर ने आपको अपने पंखों के तले छुपा के रखा हुआ है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, एक छोटा सा भी पाप अगर आपके दिमाग में आता है, आपके जीवन में आता है, एक विचार भी अगर गलत आपके मन में आता है, तो आपके घर में अशांति, आपके घर में
पर शैतान काम कर सकता है, बीमारियां आ सकती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अकान ने पाप किया था, लेकिन सजा किसको मिली? इज़राइलीस को। आगे बढ़िए बेटा। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की हुई वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। आमीन। हेलो, अगर आप अर्पण की हुई वस्तुओं का सत्यानाश नहीं करेंगे, हेलो, जो आपने परमेश्वर की अर्पण की हुई चीजों को चुराया है, परमेश्वर कहता है जब तक आप उसका नाश नहीं करेंगे तब तक मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। हेलो, प्रभु को पाना बहुत आसान है, हमें उसकी कीमत को समझना है। बाइबल कहती है कि सावधानी से हमें अपने जीवन को बिताना है। हमारे समर्पण में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, आपके घर में एक किसी भाई या बहन ने पाप किया है, उसका असर आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। इसलिए हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। और मैं आपको बता दूं कि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप परमेश्वर को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो, अगर आप चाहते हैं कि यीशु के आने तक आप बने रहें, अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपको लेकर जाए, तो आपको अपने आप को परमेश्वर की वाचा के अनुसार चलाना होगा। चाहे कुछ भी हो, आपके उसके अनुसार चलना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये जो जीवन परमेश्वर ने दिया है ना, बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुत बहुमूल्य है। ये तो जब आप स्वर्ग पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जीवन हमें मिला है। जिनको नहीं मिला है, आप नहीं जानते वो क्या खो रहे हैं। इसलिए अगर आपका कोई भी भाई, अगर आपके घर का कोई भी सदस्य प्रभु में नहीं है, कोशिश करिए वो पूरी ईमानदारी के साथ पूरी तरह से प्रभु में आ जाए, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, उस धन से बड़ा कोई नहीं है, उस शक्ति से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपका पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। आप नहीं जानते अगर परमेश्वर आपके पास से हट गया, शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह को यूं ही मनुष्य का पुत्र बनाकर परमेश्वर धरती पर नहीं लाया। सिर्फ एक ही नाम है, दूसरा कोई नाम नहीं है, जिसको हमें पूछना है, जिसको हमें पूरी ईमानदारी के संग समर्पण करना है, जिसके सामने झुकना है और जिसके अनुसार चलना है, और कोई दूसरा नाम नहीं। इसके लिए अपने मन को पूरी तरीके से आश्वस्त करिए और विश्वास करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन आपने ग्रहण किया? प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। इस प्रचार को ध्यान से सुनिए और दूसरों को शेयर करिए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।